जय हिंद, नमस्कार। देश में अग्निवीरों की भर्ती अब जल्द शुरू होने जा रही है। इसको लेकर कर्नाटक के बेंगलुरु सेना भर्ती कार्यालय की ओर से तो एडमिट कार्ड तक जारी कर दिए गए हैं। वहां पर आज से चार दिन बाद यानी 10 अगस्त से अग्निवीरों के लिए सेना भर्ती रैली शुरू होने जा रही है। लेकिन दूसरी ओर लुधियाना, हिसार, बरेली व कोटद्वार सहित और भी कई भर्तियों के एडमिट कार्ड जारी होने को लेकर युवा हमें लगातार कॉल और मैसेज कर रहे हैं। वो हमसे पूछ रहे हैं, सर ये एडमिट कार्ड कब जारी होंगे? तो आपको बता दें कि कोटद्वार सेना भर्ती के एडमिट कार्ड तो आज जारी हो सकते हैं। अगर किसी कारणवश आज जारी नहीं हो पाए तो कल जरूर जारी हो जाएंगे, क्योंकि इसको लेकर हमारी आज ही उत्तराखंड के लैंसडाउन सेना भर्ती अधिकारी कर्नल मुनेश शर्मा सर से बात हुई है। हमने उनसे पूछा कि सर कोटद्वार में 19 अगस्त से शुरू होने जा रही सेना भर्ती के एडमिट कार्ड 31 जुलाई से 5 अगस्त तक जारी किए जाने थे, लेकिन अभी तक इस भर्ती के एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। जिस पर उन्होंने कहा कि युवाओं से कहा जाए कि वो चिंता बिल्कुल न करें, आज एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे और अगर आज किसी कारण से नहीं हुए तो कल एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। इसलिए युवा थोड़ा सा इंतजार करें, सभी के एडमिट कार्ड जल्द जारी होने वाले हैं। अब तो आप सभी ये देखें कि अब आपके पास तैयारी के लिए कितने दिन शेष हैं और आप इस समय में अपनी तैयारी को और अच्छा कैसे कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही भर्तियों के ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं तो कुछ युवा जो पहली बार सेना भर्ती में शामिल होंगे, हो सकता है कि वो युवा किसी अकेडमी में जाने का प्लान कर रहे हों, तो देखिए ऐसे युवाओं को बताना चाहेंगे कि अगर आप कोई एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उससे पहले आप उस एकेडमी के बारे में पूरी जानकारी जरूर कर लें। फीस जमा करने से पहले वहां पर 2-4 दिन रुककर वहां की व्यवस्थाएं देखें, वहां की ट्रेनिंग, मैदान और हॉस्टल सुविधाओं को देखें। अगर आपको ठीक लगे और फीस बहुत ज़्यादा नहीं है तब ही आप उस एकेडमी को ज्वाइन करें, नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि आप एकेडमी में जाकर ही तैयारी करें। आप अपने घर पर रहकर दूसरे युवाओं की तरह तैयारी कर सकते हैं और अधिकतर युवा घर पर ही तैयारी करते हैं, ये भी आपको पता है, क्योंकि किसी अकेडमी में हजारों लाखों रुपये बर्बाद करने से अच्छा है आप अच्छी तैयारी घर पर भी कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको अकेडमी में जाना ही है तो कोई नॉर्मल सी अकेडमी देख लें जहाँ पर ज़्यादा फीस न हो। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात, देखिए जैसे ही भर्तियां शुरू होने लगती हैं तो वैसे ही दलाल भी सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए आप गलती से भी किसी दलाल के झांसे में आकर उसे पैसे या अपने दस्तावेज बिल्कुल ना दें, वरना आपके साथ एक बड़ी ठगी हो सकती है और आपके दस्तावेज भी आपको मिलना वापस मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, क्योंकि वो ही आपको सेना में भर्ती करा सकती है, दलाल आपको सेना में भर्ती बिल्कुल नहीं करा सकते, इसलिए इन दलालों से दूर ही रहें। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।